नागरिक सुरक्षा कोर के तत्वाधान में आर्यनगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर के महिला महाविद्यालय में मतदान शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी तथा नागरिक सुरक्षा कोर के जिला मुख्य नियंत्रक एवं जिला अधिकारी विजय किरण आनंद ने स्कूल के प्रांगण में उपस्थित छात्राओं को मतदान की शपथ दिलाई। इस संबंध में जिला अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि जनपद में सभी 600 से ज्यादा इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज में कार्यशाला का आयोजन किया गया। स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण तभी संभव है जब मतदाता अपने मतों का उचित प्रयोग करें और अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करें। प्रजातंत्र की खुशहाली सही प्रतिनिधित्व का चुनाव करने में ही है। उन्होंने कहा कि सभी के घर के आसपास जो भी मतदाता हैं, उन्हें 3 मार्च को वोट देने के लिए प्रेरित करें और सभी स्वयं भी मतदान करें और घरों के लोगों को भी मतदान करने के लिए कहें। मतदान करने का अधिकार 5 वर्ष में एक बार ही मिलता है तथा मतदान का प्रयोग अवश्य करें। मतदान सभी व्यक्ति का कर्तव्य एवं फर्ज है तथा लोकतंत्र में भागीदारी सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन अधिक से अधिक मतदाता अपने मतदान बूथ पर पहुंचकर शत प्रतिशत मतदान करें ताकि प्रदेश में जिला शत प्रतिशत मतदान में सबसे पहले स्थान पर रहे। उन्होंने बताया कि बूथों पर हेल्प डेस्क बनाया जाएगा, वहां पर मास्क सैनिटाइजर सहित सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध रहेंगी। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार काम कर रही है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, चीफ वार्डन डॉक्टर संजीव गुलाटी, सहायक उप नियंत्रक कोतवाली वेद प्रकाश यादव, बनवारी लाल, डिविजनल वार्डन विकास जालान हरे कृष्ण सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला अधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, किया गया था मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा का आगमन यहाँ हो गया है। सभी भैया बहनों से आग्रह, अब मैं इस विद्यालय के संस्थान प्रमुख आदरणीय शिवजी सिंह से आग्रह करूंगा कि आप जिलाधिकारी महोदय का नागरिक सुरक्षा जो इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक हैं, उनके सभी पदाधिकारी जी, आदरणीय गुलाटी जी, श्रीमद जलान जी और सभी अन्य हमारे साथीगण और विशेष रूप से यहाँ उपस्थित हमारे सभी अध्यापकगण और छात्र छात्राएं, आप सबको आज के इस कार्यक्रम और इस गोष्ठी के लिए बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। आप सब, हम सब को हमारे प्रजातंत्र पे, हमारे संविधान पे, हमारे देश पे गर्व है। कितने लोगों को गर्व है थोड़ा हाथ उठा के बताइएगा। तो एक बार मेरे साथ दोहराएंगे, जय हिंद। जब ये बोलते अच्छा लगता है, जज्बा दिखता है, तो अगर महसूस कर रहे हैं, अगर ये वाकई में हमें धरातल पे उतारना है, करनी में दिखाना है, तो 3 मार्च को एक बहुत बड़ा महापर्व होने वाला है जहां हम लोग गोरखपुर जनपद में अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने वाले हैं। ये आप सबको पता है। तो मैं एक विशेष जिम्मेदारी हमारे देश के लिए, हमारे संविधान के लिए, हमारे प्रशासन की ओर से, माननीय निर्वाचन आयोग की ओर से आपको सौंपना चाहता हूं और इसको आप, मुझे पूरा विश्वास है और मैं अपने पूरे अनुभव से बता सकता हूँ, जहां भी हम लोगों ने छात्र छात्राओं पे जिम्मेदारी दी है, स्वामित्व दिया है, तो उन्होंने
धूम मचा दी। मुझे सबसे ज्यादा आप ही पे विश्वास है, क्योंकि आपके हुनर, आपके अभिनव और आपके सपनों के आधार पर गोरखपुर का भविष्य लिखा जाएगा, ये मैं पूरे दावे के साथ और एहसास के साथ कह सकता हूँ। आप सबके विभिन्न सपने हैं, हम जानते हैं, बहुत सारा इंटरेक्शन क्या होता है, जब भी मुझे मौका मिलता है मैं कभी गवाता नहीं आपसे इंटरेक्ट करने में, एक दिन अलग से आके आपको विभिन्न चीजों के बारे में, जैसे करियर है या आगे के आपके सपने, उसके बारे में हम लोग संवाद करेंगे, आपके सवालों का भी जवाब मैं और मुख्य विकास अधिकारी देंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं आप ही के दौर से गुजरा हूँ कि क्या महसूस होता है इस स्थिति में, इस स्तर पर क्या महसूस होता है। लेकिन सबसे पहला कदम यह है कि आप अपने परिवार में, अपने अभिभावकों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने मोहल्ले वालों से ये जिद पकड़ना है, अगर कोई वोटिंग करने नहीं जाता, चाहे वो हमारे परिवार के वृद्ध लोग हो, नाना नानी हो, चाचा चाची हो, या हमारे घर की महिलाएं हो, जो जिनको किसी ना किसी कारणवश रोका जाता है, या विभिन्न कारण बता के, असहायता बताते हुए, घर के कामकाज बताते हुए, दैनिक रोजी रोटी के मामले बताते हुए वोटिंग नहीं करने जाते, क्या ये स्वीकार योग्य है कि गोरखपुर में हम अभी तक सिर्फ 56% से 60% के बीच में लोग अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हैं, मताधिकार का प्रयोग करते हैं, अपने दायित्व को निर्वहन करते हैं, क्या ये स्वीकार योग्य है? तो इसके लिए कुछ करेंगे हम लोग? आप लोग स्वामित्व लेंगे, जिद पकड़ेंगे? अगर कोई बोलता तो बता देना जिला प्रशासन ने बना दिया है, तो हमारे ऊपर डाल देना, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग स्वीकार कर लेंगे। कर्मचारी का घर घर जाके संवाद स्थापित कर रहे हैं और लोगों से प्रेरित कर रहे हैं, जब इतने लोग गरजेंगे, अपने भविष्य के लिए गुहार लगाएंगे, गूंजेंगे, तो गूंज लखनऊ और दिल्ली तक पहुंचेगी, पहुंचेगी ना? तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आभार प्रकट करता हूं प्रशासन की ओर से कि आपने ये स्वामित्व लिया, ये नेतृत्व लिया। मुझे पता है कि आपके हर एक के इतने सुनहरे सपने हैं, इतने अभिनव हुनर है आपका। मैं बस यही आग्रह करूंगा कि ये सपने झेलते रहिएगा, जिद पकड़ के रहिएगा और उसके लिए कड़ी मेहनत और लगन जो करनी है उसको करते रहिएगा। दुनिया आपकी मुट्ठी पे है, तमाम तरह के अवसर हमारे देश में उभर के आ रहे हैं, हर एक सेक्टर में, चाहे वो एनिमेशन हो, चाहे वो मेडिकल क्षेत्र हो, चाहे वो टूरिज्म क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र में तमाम तरह के अपार संभावनाएं आपके सामने हैं। बस आपको उस सब्जेक्ट के बारे में जो आपको रुझान है, उस सब्जेक्ट के बारे में मेहनत करते, कटिबद्ध होके, प्रयास करके सीखना है, समझना है और फिर दुनिया आपकी मुट्ठी पे रहेगी, कोई आपके करियर को रोक नहीं पाएगा। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और 3 मार्च के महापर्व के लिए आप सबको प्रतिभागिता दिखाना है हमारे संविधान और हमारे आदरणीय श्री शिवजी सिंह से कहूंगा कि माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। जिलाधिकारी महोदय को पुष्पगुच्छ प्रदान और चीफ ऑफ चिन्ह प्रदान कर आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को इस महाविद्यालय परिवार के जिलाधिकारी महोदय का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्य रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। हम लोगों ने मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदाताओं को जागरूक करते हुए प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए सभी जनपद के 600 से ज़्यादा इंटर और डिग्री कॉलेजेस में कार्यशालाओं का आयोजन किया है, गोष्ठी की है और इसी क्रम में यहाँ पे भी आज आयोजन हुआ है जिसकी अध्यक्षता हमने स्वयं किया है। मुख्य विकास अधिकारी यहाँ उपस्थित थे, सभी सिविल डिफेंस के सभी पदाधिकारीगण यहाँ पे मुख्य संयोजक के रूप में प्रतिभाग किए हैं और अच्छे माहौल में आज ये कार्यक्रम हुआ। मकसद ये है कि बच्चों के माध्यम से, छात्र छात्राओं के माध्यम से
अभिभावक तक, समुदाय तक और वहाँ के मोहल्लों तक पहुँच के सभी को जागरूक करना। 3 मार्च को जो महापर्व होने वाला है उसमें 100% प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए उनको सुरक्षा व्यवस्था जो की गई है उसके बारे में जागरूक कराना और अवस्थापनाओं के संतृतिकरण जो किया गया उसके बारे में कराने के लिए ये प्रयास है। ये लगातार 1 तारीख तक लगातार ये कोशिश रहेगी और हमारा मकसद है और सभी के सहयोग से हम लोग गोरखपुर में मतदान प्रतिशत में अग्रणी रहने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आयोग के निर्देशों क्रम में जैसे हमारे जनपद में 100% से ज़्यादा टीकाकरण अभी प्रथम डोज का हुआ है, 75% से सेकेंड डोज का हुआ है। लगातार टेस्टिंग और कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी काम करी रही है और बूथों पर कोविड हेल्प डेस्क बनाया जाएगा, वहाँ पर सारी व्यवस्थाएँ हमने आयोग के निर्देशों क्रम में मास्क सैनिटाइजर सबकी उपलब्धता रहेगी और सभी को इसके लिए जागरूक किया जा रहा है। हमारी स्वास्थ्य टीम लगातार इसमें काम कर ही रही हैं और सारे हमारे कोविड प्रिपरेशन के लिए अस्पताल और ये सभी सक्रिय हैं और कार्रवाई कर रहे हैं।